नमस्कार, मैं हूं अमित अग्रवाल एग्रोमैक कंपनी से और मेरे साथ है संजीव हमारे डिजाइनर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाइटनर के बारे में कि वाइटनर काम कैसे करता है, क्या करता है, कैसे करता है और हमारे वाइटनर के स्पेशल फीचर्स क्या है। तो डिस्कस करते हैं कैसे वाइटनर काम करता है। वाइटनर का बेसिकली काम क्या है, जो हमारा चावल हस्कर के बाद निकलता है वो ब्राउन कलर का होता है, तो उसकी जो ब्राउन लेयर हटाने के लिए बफिंग की जाती है वो वाइटनर से की जाती है। अब पहले जमाने में हम कोन पॉलिशर या फिर वो चाइना टाइप के पॉलिशर आते हैं वो यूज करते थे। उनमें डिसएडवांटेज क्या रहता है, उनमें ब्रोकन परसेंटेज ज्यादा रहती है और प्रोडक्टिविटी बड़ी लो रहती है। वाइटनर के साथ एडवांटेज क्या है कि इसकी प्रोडक्टिविटी हाई है और ब्रोकन परसेंटेज जनरेट नहीं करता है। अब ये वाइटनर काम कैसे करते हैं, वाइटनर पे हमारा मेटल यहाँ से फीड हो रहा है इनलेट हॉपर से, दोनों साइड इनलेट हॉपर दिए हुए हैं, तो इसमें बराबर से इनलेट हॉपर से मेटल फीड होता है। इनलेट हॉपर से फीड होते हुए इसके अंदर एक स्क्रू लगा हुआ है, फीडिंग स्क्रू लगा हुआ है। जो फीडिंग स्क्रू है जो हमारा है, इसमें फीडिंग स्क्रू देते हैं, इसके तीन फेस है, तीन मुंह भी बोलते हैं इसको, तीन मुंह का फीडिंग स्क्रू है। यहां से मेटल फीड होता हुआ नीचे हमारा स्टोन्स के ऊपर चला जाता है, स्टोन और जाली के बीच में मेटल फ्लो होता है। अब ये स्टोन्स जो हैं ये इसको कंटिन्यूसली बफिंग करते रहते हैं, बफिंग करने की वजह से उसकी जो ऊपर की लेयर है ब्राउन लेयर है वो उतर जाती है और हमें जो चावल है वो नीचे से निकल जाता है। नीचे एक अम्ब्रेला लगा हुआ है, नीचे अम्ब्रेला दिखाना, जो नीचे अम्ब्रेला लगा हुआ है वहां से वो निकलता हुआ चावल हमारा नीचे गिर जाता है और वो सारा व्हाइट चावल नीचे आ जाता है। अब अम्ब्रेला काम क्या करता है, इसके अंदर यहाँ पर अम्ब्रेला दिया हुआ है। अब ये जो अम्ब्रेला है ये इसको हम सेट करते हैं, बेसिकली इसको जितना हमें ओपन करना है इसके और नीचे जो हमारी बॉटम हाउसिंग है उन दोनों के बीच में जो गैप है उसमें से हमारा चावल निकलेगा। तो हम इसको जितना क्लोज कर देंगे उतना हमारा चावल कम निकलेगा, उतना वो ज्यादा पॉलिश करेगा। इसकी इसकी सेटिंग करते हुए हम इसको अगर थोड़ा सा नीचे कर देते हैं तो वो पॉलिश कम करेगा और हमारा जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाएगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है हमारा इसके अंदर। अब ये जो पॉलिशिंग करता है तो इस मशीन के हमारे स्पेशल फीचर्स क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो भी हम मेटल यूज कर रहे हैं, जो प्लेट्स यूज कर रहे हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, वो सारी हैवी ड्यूटी है। जैसे बाकी सब में देखोगे तो आप 5 mm 6 mm की प्लेटें होंगी, हमारे में इसके अंदर 6 mm की प्लेट्स रहती हैं, जो बॉटम और ये जो हाउसिंग वाली प्लेट्स रहती हैं ये 8 mm की प्लेट्स रहती हैं, मोटर माउंटिंग प्लेट हमारी 10 या 12 mm की रहती है। तो सारी हम हैवी प्लेट्स यूज कर रहे हैं। बाकी जितने भी वाइटनर्स आप देखोगे उसमें सिंगल एस्पिरेशन होता है, उसमें पीछे की साइड से यहाँ से एस्पिरेशन का सिस्टम दिया होता है, पीछे से निकल जाता है। हमारे में दोनों साइड से एस्पिरेशन है, इस तरीके का प्रोविजन है। तो हमारा मेटल एयर जो है वो यहाँ से भी निकल रही है, यहाँ से भी निकल रही है। अब डबल एस्पिरेशन का फायदा क्या होता है कि सिंगल एस्पिरेशन में सिर्फ पीछे से एस्पिरेशन कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है वो ब्रान को प्रॉपरली सक नहीं कर पाता। हमारे में क्योंकि वो चारों तरफ से सक कर रहा है तो ब्रान प्रॉपरली सक होती है, तो नीचे जो चावल निकल रहा है उसके अंदर ब्रान नहीं आती, दूसरा ब्रोकन परसेंटेज कम होती है। इसके अलावा जो हमारा स्पेशल फीचर है वो है जब हम इसकी फैब्रिकेशन करते हैं, फैब्रिकेशन करने के बाद हम इसको एक स्पेशल हमारे पास मशीन है जिससे हम इसको थ्रू आउट बोरिंग करते हैं। थ्रू आउट बोरिंग और मशीनिंग करने से एडवांटेज क्या होता है कि जो हमारी शाफ्ट की अलाइनमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट 0-0 आती है हमेशा। अब जब शाफ्ट की अलाइनमेंट परफेक्ट होगी तो जो हमारे स्टोन है, स्टोन और जाली के बीच में जो गैप है वो बिल्कुल परफेक्टली अलाइंड होगा। हमारी जब भी वाइटनर में ब्रोकन ज्यादा होती है उसका रीजन मेनली एक होता है कि जो हमारा वाइटनर के स्टोन है या तो वो टूट गए हैं, डैमेज होने शुरू हो गए हैं, या फिर वाइटनर और जाली के बीच में जो गैप है वो यूनिफॉर्म नहीं है। वो अगर माइक्रोन्स में भी फर्क आएगा तो ब्रोकन ज्यादा करेगा। तो हमने उसको जड़ से ही एलिमिनेट कर दिया कि वो हमारा गैप जो है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है। इसके अंदर हम जो शाफ्ट यूज कर रहे हैं वो ENAD की यूज कर रहे हैं, बाकी आप देखोगे जनरली सब MS की शाफ्ट यूज करते हैं। बाकियों में आपको लोकल स्टोन मिलेगा, हम स्टर्लिंग का स्टोन यूज कर रहे हैं। इसमें पुली जो है हम शक्ति पुली कंपनी की यूज कर रहे हैं, बेल्ट सारी फैनर की यूज कर रहे हैं, जाली हमारी MS की ना होकर कार्बन स्टील की है, नीचे जो अम्ब्रेला है वो MS का नहीं है, एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम कास्टेड है। जो हम इसके अंदर बेयरिंग हाउसिंग यूज कर रहे हैं, जो भी हमारी बेयरिंग हाउसिंग है वो MS में बनी हुई है और बड़ी हैवी ड्यूटी है। एक बार बेयरिंग हाउसिंग जो हम इसमें बेयरिंग यूज कर रहे हैं वो हमारा यूज होता है 22310 और 6213। ये हम SKF कंपनी के और ZKL कंपनी के यूज करते हैं। ये हाउसिंग है हमारी, ये हैवी ड्यूटी हाउसिंग है और ये हम जो हाउसिंग कास्ट कराते हैं ये MS में कास्टिंग होती है।
तो ये हमारी मशीन्स के स्पेशल फीचर हैं। हमारी मशीन जो है काफी हैवी ड्यूटी है। सेकेंडली ब्रोकन परसेंटेज बहुत कम है इसके अंदर। थर्ड मेंटेनेंस फ्री है। अगर आपको हमारे वाइडनर से रिलेटेड कोई और जानकारी लेनी हो तो आप प्लीज हमें कॉल करें 8800899171 पे। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, हमारा नंबर है 8800899171 और हमारे मेल आईडी है sales@agromechengineering.com sales@agromechengineering.com। हम जितनी भी मशीन्स बनाते हैं सब पे मनी बैक गारंटी देते हैं। आपको कोई भी हमारे से जानकारी लेनी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। थैंक यू।